उत्तर प्रदेश के खतौली, रामपुर और मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, खासतौर पे अगर मैनपुरी, रामपुर और खतौली की बात करें, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे बात कर रहे हैं। सर, तीनों जगह उपचुनाव है लेकिन मैनपुरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्या मैनपुरी में जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। खतौली और रामपुर की अगर बात करें, जगह जीत रहे हैं MKN वाले तो खुद ही गए थे, जानते हैं, आप भी तो जाने वाले हैं वहाँ, BJP जीत रही है। सर, अगर बात करें शिवपाल यादव की, लगातार सुरक्षा घटाना, उसके बाद भी जानकारी हमें नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तीन तरीके से ये इनका साफ करना है कि चुनाव जीत रहे हैं और ब्रजेश पाठक जी लगातार दौरे कर रहे हैं और सियासी बयानबाजी से वो बच रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, MKN न्यूज़, लखनऊ।